जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको टिप्स पर यशपाल के उपन्यासों को याद कराएंगे। एक मिनट अगर दे दिया तो यशपाल की रचना आप जीवन में नहीं भूलोगे। दोस्तों याद आखिर कैसे करें, बहुत बड़ी समस्या हिंदी साहित्य में रचनाओं को याद रखना होता है। उनको कोडिंग के थ्रू आप सिंपल याद कर सकते हो, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनको सिंपल कोडिंग करेंगे कि यशपाल के जो दादा जो है वो कॉमरेड होते हैं और उसे देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल देता है। अब उनकी पोती दिव्या होती है जो पार्टी बनाती है मनुष्य के रूप में और उसी में अमिता को भी शामिल करती है और कहती है कि तुम झूठ सच में मत पढ़ना, 12 घंटे काम करना, नहीं तो अप्सरा का श्राप लगेगा। फिर कहोगे क्यों फंसे, तेरी मेरी उनकी बात है। तो इनको सिंपल याद कर सकते हैं, फिर से समझना कि यशपाल के जो दादा है वो कॉमरेड है, इसलिए उन्हें देशद्रोह का आरोप लगता है। फिर उनकी पोती जो है दिव्या है जो पार्टी कॉमरेड बनाती है मनुष्य के रूप में और अपनी दोस्त अमिता को शामिल करती है और कहती क्या है ये याद रखना कि अमिता से कहती है कि झूठ सच में मत रहना, 12 घंटे काम करना, नहीं तो अप्सरा का श्राप लगेगा। तो इस तरह से आप संपूर्ण साहित्य को टिप्स पर कर सकते हो।